हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है रूबम एंड वेलकम बैक टू पाई ऑफ लाइफ। कल के धमाकेदार मैच के बाद आज जो सबसे बड़ी टक्कर होने वाली है, इनफैक्ट कहे जब तक आप इस वीडियो को देखेंगे हो सकता है कि वो एक दिन पहले भी हो, लेकिन जिनका मैच होने वाला है वो दूसरी सबसे यंगस्टर और सुपरस्टार से भरे हुए टीम के बारे में मैं बात करने वाला हूँ। वो है आपकी दिल्ली और दूसरी है पंजाब। दिल्ली यानी दिल्ली कैपिटल्स एंड किंग्स 11 पंजाब, दोनों ही टीम को अगर आप देखेंगे तो बैलेंस टीम है यंगस्टर और एक्सपीरियंस टीम की। तो आज हम इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो है कौन से इंपॉर्टेंट प्लेयर्स होंगे दोनों टीम में जो हमें अपने ड्रीम्स 11 में इंक्लूड करने हैं, और साथ ही साथ ये भी बात करेंगे पॉसिबिलिटीज कौन सी टीम मैच जीतने वाली है। लेट्स गो विद द दिल्ली कैपिटल्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो उनके सबसे स्ट्रॉन्ग प्लेयर हैं जिनको हमें जरूर रखना है अपने ड्रीम 11 में वो है श्रेयस अय्यर। ही इज द कैप्टन और एक परफॉर्मिंग प्लेयर है तो उनको रखना ही रखना है। सेकंड आते हैं हमारे ऋषभ पंत। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप ऋषभ पंत पे कितना भरोसा करते हैं, क्योंकि कल पहला मैच है तो जहां तक मेरा इंट्यूशन है वो ये रहेगा कि वो जरूर एक अच्छा स्कोर बनाएंगे और बहुत से लोगों का मुंह बंद करने की जरूर कोशिश करेंगे। रीजन बिहाइंड, उनके ऊपर एक टैग लग चुका है इररिस्पॉन्सिबल का, और जहां तक मुझे लग रहा है कि वो उसमें एक अच्छा स्कोर बनाएंगे। हो सकता है थोड़ा स्लो बनाए लेकिन उनके इनिंग्स में हमेशा चौके छक्के रहते हैं, तो आप उनको ड्रीम्स 11 में इंक्लूड कर सकते हैं। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट वो है मार्कस स्टोइनिस, अनडाउटेडली द बेस्ट ऑलराउंडर। इनको आप अपने ऑलराउंडर टैग में जरूर रखिएगा, ये आपको बहुत मदद करेंगे पॉइंट्स कमाने के लिए। फिर आते हैं क्रिस वोक्स, ऑलराउंडर। तो ये हो गया आपका दिल्ली के इंपॉर्टेंट प्लेयर्स। अब मैं एक लाइनअप दोबारा आपको बता देता हूँ जो कल के पॉसिबल प्लेयर्स है, या कहें तो आज के पॉसिबल प्लेयर्स है। वो है शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, श्रेयस अय्यर, शिमरन हेटमायर, ऋषभ पंत, मार्कस स्टोइनिस, अक्षर पटेल, क्रिस वोक्स, रवि अश्विन, कगिसो रबाडा एंड अमित मिश्रा। ये आपके स्ट्रॉन्ग प्लेयर्स हैं, ठीक है। लेट्स गो विद द सेकेंड सुपरस्टार थिंग। सुपरस्टार किस लिए, इसको ओन भी करती है एक प्रीवियस सुपरस्टार, दैट्स प्रीति जिंटा। प्रीति जिंटा ने अपने टीम को एक प्रॉपर बॉलीवुड स्टाइल में उन्होंने इसको रखा हुआ है, एक स्टार कैटेगरी कहे तो। तो इनके टीम में इंपॉर्टेंट प्लेयर्स कौन कौन है जो हमें ड्रीम्स 11 में रखने हैं। सबसे पहला था केएल राहुल अंडर द बैट्समैन एंड विकेट कीपर। फिर आते हैं ग्लेन मैक्सवेल। ये ऑप्शन आपको हो सकता है ऑलराउंडर में भी शो करे, हो सकता है बैट्समैन में भी शो करे। अगर आपको ऑलराउंडर में शो कर रहा है तो आप अनडाउटेडली इनको जरूर रखें, क्योंकि ये 2 से 3 ओवर जरूर डालेंगे। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट इनके होंगे वो है, अगर क्रिस गेल खेल रहे हैं तो क्रिस गेल या फिर शेल्डन कॉटरल एज अ बोलर, क्योंकि ये विकेट किंग बोलर है, हर मैच में कम से कम 2 विकेट जरूर निकालेंगे और एक बेहतरीन फील्डर भी है तो रन भी बचाएंगे। तो उनकी जो टीम कॉम्बिनेशन होगी वो है क्रिस गेल, केएल राहुल, मयंक अग्रवाल, करुण नायर, ग्लेन मैक्सवेल, मनदीप सिंह, के गौतम, शेल्डन कॉटरल, मोहम्मद सामी, ईशान पोरल एंड मुजीबुर रहमान। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट प्लेयर्स और पूरी कॉम्बिनेशन जो मैच खेलने जा रही है। तो आपके हिसाब से कौन है सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट, मुंबई या चेन्नई के बाद आज के मैच में दिल्ली या फिर पंजाब? क्योंकि आपने खुद ही देखा कि ये मैच क्या है, मुंबई और सीएसके का एक धमाकेदार ओपनिंग थी, तो सेकंड मैच भी उतनी ही धमाकेदार होनी जरूरी है, क्योंकि ये पूरा पूरा टोन सेट करता है पूरे टूर्नामेंट का। तो आप बताइए आपके दिल को क्या कर रहा है। हमारी पॉसिबिलिटीज ये कह रही है कि पंजाब इस बार बेटर परफॉर्म करेगी, दिल्ली हमेशा से ही अंडर परफॉर्म करती रही है, उनके पास हमेशा से अच्छे प्लेयर्स रहे हैं लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो परफॉर्म नहीं कर पाए। जहां तक मेरा कहना है वो है आपका पंजाब। अगर आपको लगता है कि इस मैच में दिल्ली कैपिटल्स जीतेगी तो आप जरूर कमेंट सेक्शन में जाके दिल्ली कैपिटल्स जरूर इसमें कमेंट कीजिएगा, और देखते हैं किसका वोट सबसे ज्यादा होता है, आपका पंजाब का या फिर दिल्ली का। मेरा नाम है रूपम, कल जरूर मिलेगा, हम अपने थर्ड मैच के बारे में बात करेंगे।